brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। एनडीए का एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग के पास पहुंचा है और आरजेडी और उसके नेताओं के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंचा है। बता दें कि पूरा मामला जो है वो जमुई से जुड़ा हुआ है, जहां चिराग पासवान की मां रीना पासवान के साथ गाली गलौज का एक वीडियो वायरल हुआ। रीना पासवान पर अभद्र टिप्पणी करते हुए ये वीडियो क्या वायरल हुआ, एनडीए के जो नेतागण हैं वो हैरान परेशान हो गए और तुरंत चुनाव आयोग का रुख किया। जैसी जानकारी हम तक आ रही है उसमें बताया गया है कि एनडीए की महिला नेत्रियों का एक दल शिकायत पत्र लेकर चुनाव आयोग के पास पहुंचा है, जिसमें सब्जेक्ट में, जी हाँ, शिकायत पत्र में सब्जेक्ट सेक्शन में साफ साफ लिखा हुआ है, राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं द्वारा चुनावी सभा के दौरान एनडीए गठबंधन के घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता को खुलेआम गाली देने एवं जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने के विरुद्ध कार्रवाई एवं प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में ये पूरा पत्र लिखा गया है। मामला ये है कि कल जमुई के जनसभा में जो नेता है, विपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव जी, उनके समक्ष उनके ही पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा लोजपा पार्टी की जो एक बड़े नेता है, अध्यक्ष है, उनकी मां पे मतलब गाली गलौज शब्द का प्रयोग किया गया है, अपशब्द प्रयोग किया गया है और उसके साथ में जाति सूचक। मुझे लगता है संविधान में ये कहीं से भी नहीं है कि आप किसी भी व्यक्ति को जाति सूचक या गाली का प्रयोग कीजिए। विपक्ष में है तो निश्चित रूप से विचारधारा का हमारा अलग हो सकता है, हमारे जो एजेंडा है वो अलग हो सकता है, आप उन मुद्दों पर बात कीजिए, लेकिन किसी पे पर्सनल अटैक करना, ये तो आप नए तरीके का प्रयोग कर रहे हैं। चिराग पासवान जी और उनकी मां को गाली दी गई है और वहीं पर तेजस्वी जी अपने मंच पर मौजूद हैं और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा भद्दी गालियां दी गई है। महिलाओं के अपमान के साथ साथ ये दलित समाज का भी अपमान है और मैं चाहती हूं कि इन पे कार्रवाई हो और आचार संहिता के उल्लंघन का मामला के साथ साथ ये एट्रोसिटी एक्ट का भी मामला हम समझते हैं कि इसको बनाना चाहिए और उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। चाहते हैं कि आरजेडी के नेताओं के खिलाफ इस पर कार्रवाई हो, क्योंकि मंच पर उन लोगों ने ऐसा होते हुए सुना है, किया है, तो उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। खैर, एनडीए का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के पास पहुंचा तो है, लेकिन देखना होगा पूरे मामले पर चुनाव आयोग एफआईआर कब दर्ज करता है। बता दें कि पूरा मामला तब प्रकाश में आया जब जमुई में तेजस्वी यादव अपने प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए मंच पर पहुंचे थे। सभा पर तेजस्वी का धुआंधार भाषण चल रहा था और इसी दौरान एक वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि उस सभा के दौरान कुछ लोग लगातार चिराग पासवान और उनकी मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे थे। इस वीडियो के वायरल होने के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई और तरह तरह के बयान आने शुरू हो गए। सफाई में तेजस्वी यादव ने भी बहुत कुछ कहा, लेकिन अब पूरा मामला जो है चुनाव आयोग के सामने पहुंचा है। देखना होगा चुनाव आयोग कार्रवाई क्या कुछ करता है। बिहार की खबरों के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।